नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंडराइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी का लेटर घ, घ से घड़ी। देखिए घ के क्या स्टेप और रूल्स होता है वो हम बोर्ड पे लिख कर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए इसका, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। आप देखें एक तरह से कैपिटल सी उल्टा लिखते हैं वैसा है। फर्स्ट के बाद सेकंड, ये इसका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट से सेकंड थोड़ा बड़ा होगा। दोबारा देखो, फर्स्ट, ये सेकंड और ये इसका थर्ड स्टेप। फर्स्ट सेकंड और ये इसका थर्ड, और फोर्थ में हमें रूफ लाइन कंप्लीट खींचनी है। फोर्थ में आपके लेटर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये इजी लेटर है। अब हम इसमें कमियां कहां रख देते हैं वो देखिए। आपको इस तरह से घ नहीं बनाना है, यह अंदर से ये राउंड बनेगा। दूसरा, ये फर्स्ट हमने बड़ा कर दिया और सेकंड इसका छोटा कर दिया। ऐसा भी नहीं होता, ये इसका छोटा हो गया और ये पार्ट बड़ा हो गया। फर्स्ट बड़ा, सेकंड छोटा नहीं होता। तीसरी गलती या कमी, इसको आप यहां से हम ऐसे राउंड नहीं कर सकते। ये तीन आप हमारी कमियां हैं या जो हम गलत तरीके से बनाते हैं देख रहे हैं। इसके बाद और भी कुछ है इसमें, कभी कभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और यहां से इसको दिखा देते हैं। अब आपका ये जो जॉइंट दिख रहा है इस लाइन से, ये इस सेंटर पार्ट से ऊपर जाना नहीं चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इस पार्ट से, फर्स्ट के पार्ट से नीचे ही रहता है। ये देखो, इससे ये यहां जरूर दिख रहा है। और एक चीज और, हमारा जो फर्स्ट पार्ट का पोर्शन है पीछे का, इससे ये पोर्शन 5% पीछे की तरफ बाहर निकलता है। या आप इसको बराबर रखें प्रेस के लेटर की तरह, या फिर बाहर निकाले। वैसे ही जब हम ये राउंड लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये बाहर आ जाता है, अंदर नहीं रखना चाहिए। ये आपके लेटर सही बन रहा है। हम क्या करते हैं, इसको अंदर रख देते हैं। अब देखिए इस सीट से ये पोर्शन पूरा बाहर नहीं आया, न ही इसके बराबर आया और न बाहर आया, तब ये कमी या गलती रह जाती है। तो आप के 4 पॉइंट कॉपी में नोट करो, आपके घर तैयार है। हाँ जी, लेटर सबको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।